Hi dudes, I am Ram Yadav. I am doing well and I hope you are also doing well. Now you are connected with the YouTube channel Get Goal Online. Today we are studying about some important facts in science. जैसा कि फ्रेंड हम अपना आज भाग 6 लेके आए हैं, पार्ट 7, 7 वाला पार्ट लेके आए हैं. हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप सारी की सारी वो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, तो आप सब देखते रहिएगा. इससे क्या है, जो भी व्यक्ति यूपी टेट और सी टेट देने वाले जा रहे हैं, तो उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वो इन सभी वीडियो को देखते रहें. और आप एक बात और ध्यान दें, 68,500 जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. तो साइंस हमें अभी से कंप्लीट करते चलेंगे. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर कठिन आ जाए सरल आ जाए, उससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े. तो आप ध्यान से अपनी क्वेश्चनों को देखते रहिएगा, हम आपको बताएंगे ऐसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आते रहेंगे आपके लिए. सो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे. और हम इसमें साइंस की वीडियो लेके आ रहे हैं, एनवायरमेंट स्टडी का पर्पज चल रहा है हमारा, सी टेट के लिए भी हमारे पेपर काफ़ी पड़े हुए हैं, तो आप देखते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें. और एक फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी. और जितनी भी PDF हैं और आपका जो रिटर्न मटेरियल है, वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो फ्रेंड, चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP उत्पन्न होते हैं? अगर ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो कितने ATP प्राप्त हो जाएंगे? तो वो 38 या 36 ATP प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 28 किलो कैलोरी. जो उसमें एनर्जी मुक्त होती है, तो वो कितनी होती है? 28 किलो कैलोरी होती है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोशिका श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण जारण से 38 ATP, मतलब 38 ATP अणु किस प्रकार बनते हैं? तो 3 ATP अणु माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाहर बनते हैं, तथा 36 ATP इसके भीतर बनते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, EMP, मतलब EMP पथ क्या है? तो ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को ही EMP पथ भी कहते हैं. अब क्योंकि इसकी खोज जो की थी सर्वप्रथम एमडेन मेयर हाप एवं पार्सन जर्मनी के ने की थी, तो इन्होंने की थी, इसलिए इनके नाम पर ही क्या EMP पथ पड़ गया नाम इसका. वैसे ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं EMP पथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, मतलब जो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? तो वो क्या आंसर होगा, नहीं होती है, मतलब कि इसमें CO2 उत्पन्न होती नहीं है इस क्रिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, क्रेब्स चक्र को अन्य किन संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, TCA साइकिल बोल दो, या साइट्रिक अम्ल चक्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP होता है तो उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट युक्त अणु होता है, जो मतलब इसमें क्या होता है, एनर्जी, हाई एनर्जी होती है और फॉस्फेट युक्त अणु होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बनते हैं? तो वो कितने बनते हैं? वो दो बनते हैं. NADH2 में कितने बनते हैं? दो बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो जो श्वसन होता है, हम सांस लेते हैं, तो वो क्या होता है, विखंडनात्मक प्रक्रिया होता है, या कैटाबॉलिक, या कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, या फिर विखंडनात्मक प्रक्रिया होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितनी ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? तो कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? वो 16 अणुओं की आवश्यकता होती है. तो इस तरीके से जो मेन मेन क्वेश्चन है वो आप देखते रहिएगा, जिससे कि आपको
काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है टेट में, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, किस प्रकार के पौधों में रंध्र रात में खुले तथा दिन में बंद रहते हैं? तो मसोलविद या सुसुलेंट में, मसोलविद जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो रात में खुले रहते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में कौन सा सक्रिय भाग लेता है? तो पोटेशियम आयन भाग लेता है, और इसको किस दर्शाते हैं, के प्लस से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जो पौधों में बिंदु श्रवण या गुटेचसन की क्रिया में निकलता है, तो वो जल के साथ शर्करा, बिकर एमिनो अम्ल और कार्बनिक अम्ल आदि के रूप में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, बाष्पोत्सर्जन अवरोधक पदार्थ है, तो एब्सिलिसिस अम्ल, और दूसरा एस्प्रिन, और एस्प्रिन अम्ल और फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है बा, ये सारे के सारे बाष्पोत्सर्जन अवरोधक पदार्थ हैं, जैसे कि बाष्पोत्सर्जन होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरवी, कोलोकासिया तथा जई ओट मैं पत्तियों के किनारों से पानी की बूंदें निकलती हैं, इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण कहते हैं, गोटेटेशन, जो भी मतलब पानी की बूंदें निकलती हैं तो बिंदु श्रावण बोलते हैं। तो इन शब्दों को मतलब मेन मेन शब्दों को आप थोड़ा सा गैस करते रहिएगा, मतलब क्वेश्चन अगर पूछेगा थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप कर देंगे, लेकिन जो मेन शब्द होते हैं क्वेश्चन के, जो जान होती है उनको पकड़ के चले आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बात रंध्र, लेंटिसेल खुलते हैं दिन और रात दोनों में खुलते हैं, जो बात रंध्र होते हैं दोनों में, दिन और रात दोनों टाइम में खुलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर रंध्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बंद होने लगते हैं जो रंध्र हैं ना, तो क्या हो जाते हैं वो, मतलब धीमे धीमे उसका क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जलरंध हाइड्राथोडस कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के शीर्ष व सतह पर पाए जाते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं उनके शीर्ष पर या फिर उसकी सतह के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के उपकरण की क्या संज्ञा है? तो पोटोमीटर, पोटोमीटर के द्वारा बाष्पोत्सर्जन जितना भी होता है तो उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्रिया एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत बाष्पोत्सर्जन द्वारा जड़ बाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है, मतलब जो बाष्पोत्सर्जन होता है जो पौधे का, कितना जल उड़ जाता है? 99% उड़ जाता है, कितना उड़ जाता है, 99%, बस 1% रह जाता है उनके पौधे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, गार्ड सेल्स पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है रंध्रों में। गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती है? रंध्रों में। तो आप क्या याद रखेंगे, गार्ड सेल्स याद रखो और रंध्र याद रखो, तो आपका क्वेश्चन अगर किसने घुमा के आएगा तो सीधा सीधा आप अपना आंसर टिक कर देंगे। सो गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, इस तरीके के हम काफ़ी वीडियो लेके आ रहे हैं, साइंस का हमारा चल ही रहा है, पूरा सीरीज चल रही है, तो साइंस सीरीज में हम पूरी साइंस, जुपिटर, सीटेट एंड अदर एग्जाम की करा रहे हैं, और हमारा पर्यावरण की सीरीज चल रही है वहाँ पर, वो पर्यावरण सीरीज लेके आ रहे हैं, और हिंदी का पेपर हम अपलोड करते ही रहते हैं। तो हम हमारे चैनल पर बने रहें आप, और जितने भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं उन सभी को आप अपने इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आने वाले टाइम में उनको काफ़ी लाभ मिल सके और उनका जो भी टेट या सीटेट देने वाले हैं तो वो क्लियर हो सके। तो सारे के सारे हम लेके आ रहे हैं और वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो गाइज, बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।